अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा क्रोटन का प्लांट है और ये इसको लाए भी मुझे एक महीना हो गया तकरीबन, लेकिन ये रेड मिट्टी में लगा हुआ है और ये रेड मिट्टी जो है हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हार्मफुल है। जहाँ से ये आया है वहाँ तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं, क्योंकि रेड मिट्टी में लगे हुए पॉट जो होते हैं उनकी उनको पकड़ने के लिए, जड़ को पकड़ने के लिए कि ताकि जड़ न हिले, इसको रेड मिट्टी में लगाया जाता है। रेड मिट्टी के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो हमारी मिट्टी होती है ब्राउन मिट्टी होती है उसके अपने फ़ायदे हैं। अब हमें इसको चेंज करना है क्योंकि हम यहाँ के माहौल के हिसाब से ये नहीं चलेगी, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी बाल्टी भरी हुई पानी की है, इसमें हम वो डालेंगे पेस्टिसाइड डालेंगे। ये हमने पेस्टिसाइड डाल दिया ताकि इसके अंदर जब हम इसको निकालें तो इसके हर जगह इसका पेस्टिसाइड पहुंच जाए। अब इस गमले को यहाँ जड़ से उठा के इसके अंदर रख देंगे। हाँ, ऐसे रखते हैं, डुबो देंगे। अब हम जब इसको डुबो देंगे तो अब हमें नहीं मालूम ये कितनी देर में फूलेगी और ये अपनी पकड़ ढीली करेगी, क्योंकि जब ये अपनी पकड़ ढीली करेगी तभी हम इसको निकाल पाएंगे और हम रेड मिट्टी को अलग कर पाएंगे। हाथ धो लो। अब पेस्टिसाइड हाथ से डाला गया है इसलिए नुकसानदेह है, इसलिए इसको हमें धो लेना चाहिए फ़ौरन के हमारी आँख वगैरह में ना लगे। अब दूसरी चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, आप देख रहे होंगे दूर से भी नज़र आ रहा है, पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये एब्जॉर्ब कर रही है मिट्टी जो है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है और इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये बहुत अच्छे से हमें इसमें लगाना है ताकि इसकी खूबसूरती कायम रहे और ये इसी तरह से बढ़ता रहे। ये है। अब हम जब गमला तैयार कर रहे हैं तो हम गमला तैयार करने के लिए, इसकी मिट्टी को तैयार करने के लिए इसको हम तोड़ के डालेंगे। इसके अंदर इसके छोटे छोटे टुकड़े हम तोड़ के डालेंगे, टुकड़े बस इससे, हाँ थोड़े से आधे कर लो, ऐसे छोटे छोटे पीस इसको डालने का मकसद ये है कि ये थर्मोकोल जो होता है वो बाहर की सर्दी को अंदर आने नहीं देता और अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, तो इसको डालने से हमारा पॉट जो है वो सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। अब हम इसे मिट्टी डालेंगे, हमारी मिट्टी तैयार रखी हुई है, ये हमारा हमारे गार्डन की मिट्टी है, इसमें सारी खादें मिली हुई हैं, बोन मिल और वर्मी कंपोस्ट और सारी चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, तो हम इसके अंदर ये डालेंगे और हमारा पॉट तैयार हो जाएगा। लौट दो इसको आहिस्ता से ना, इसको पर ये देखिए इसके अंदर सारी पत्तों की खाद और वर्मी कंपोस्ट और काव डंग सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अभी मिट्टी कम है इसलिए हम एक पॉट की मिट्टी थोड़ी बाद में डालेंगे जब हम इसको वो कर देंगे। तो आपको मैं रेड मिट्टी की वो बताती हूँ, जब ये सूख जाती है तो पानी ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाती, मतलब ये इसको सूखने के बाद फ़ौरन पानी देना होता है, वरना पेड़ को जो है वो पानी की कमी हो जाती है। मिट्टी का रेड कलर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। रेड मिट्टी में वैसे तो बहुत ताकत होती है, लेकिन ये हमारी ब्राउन मिट्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, वेल ड्रेन होती है और ज़्यादा ये टाइट रहती है, लूज़ नहीं होती। जैसे हमारी ब्राउन मिट्टी में पानी डालते हैं तो ये फूल जाती है और उपजाऊ होती है, ये इस तरह से नहीं करती है। देखना इसको हिला के, इसमें कुछ लूज हुआ नहीं हुआ, इसको पेड़ को हिलाओ, हिला नहीं, ऐसे निकल आएगा ये पूरा। हाँ, पत्ता टूट गया, नहीं हिला अभी, ये लूज नहीं हुआ है।
डार्क सॉइल जो होती है, जो हमारे घर की मिट्टी होती है, वो उसके अंदर ऑर्गेनिक मटर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सूखे पेड़ पत्ते और टहनियाँ भी होती हैं और रेत होती है और कोयला होता है। रेड सॉइल जो होती है वह हाईली एसिडिक नेचर की होती है, और लूमी सॉइल सबसे बेस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि हमारे यहाँ पाई जाती है। रेड सॉइल में लाइम फास्फोर्ट्स और नाइट्रोजन और हम्स और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके अंदर लाइम नहीं होता है, फास्फेट नहीं होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस जो होता है, वाटर रिटेंशन उसमें बहुत कमी होती है। इसलिए हमारी डार्क सॉइल यहाँ पर, मतलब हमारी यूपी साइड में और इंडियन दिल्ली NCR में नहीं चल पाती, तो हमें इसको बदलना ही पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटी सी बास्केट लगी हुई होती है, जो कि बहुत ही छोटी जड़ों के लिए, तो उसको रोकने के लिए सही होती है कि वो जड़ जो है वो अपनी जगह से ना हिले, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तब उसके अंदर वो फंस जाती है जड़ों में और उसकी ग्रोथ को रोकती है, तो उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने अपना गमला तैयार कर लिया है और इसको हमने पानी में भिगो दिया है, हो सकता है ये नहीं निकले तो हमें इसको और लंबे टाइम के लिए इसको भिगोना पड़ेगा, लेकिन ये जब हम लूज़ हो जाएगी तो आज़ाद, ये हम इसको उठाएंगे और ये मिट्टी ढक जाएगी और पानी के साथ साथ मिट्टी बह जाएगी। ब्लैक सॉइल जो होती है उसे मॉइस्चर बहुत अच्छा बना रहता है, बहुत उपजाऊ होती है, रेनी सीजन में फूल कर नरम पड़ जाती है। हर तरह की सॉइल के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ पर पूना में जिस मिट्टी में ये तैयार होकर लगाया जाता है उसके अलग बेनिफिट्स हैं, और जब ये यहाँ हमारे पास आती है तो इसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो गाइज़ ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। एक बार मैं आपको हिला के दिखाती हूँ, अगर ये हिल गया तो ठीक है, वरना मैं इसको 1-2 घंटे और भिगोऊंगी और फिर आज़ाद निकाल के इस पॉट के अंदर रखूँगी और ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेगा और ये हमारे एटमॉस्फेयर के अनुकूल हो जाएगा। तो मैं एक बार और हिला कर दिखाती हूँ, पत्ता नहीं टूटे। हिली नहीं हिली ऐसे ना हिलाओ इसको यूं यूं करके, यूं हाँ जैसे डिप डिप करके। बहुत टाइट मिट्टी है और ये आराम से निकल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है ये सुबह तक फूलेगी। वैसे दिखने मुझे दिखाना ही नहीं हुई कुछ लूस। अच्छा मैं अभी आपको दिखा, तो गाइज हम आपको ये इसका बाकी पार्ट दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इसको लूज होने में टाइम लगेगा। अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे गमले के अंदर और ऊपर से ये मिट्टी डाल देंगे और हमारा पेड़ तैयार हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।